हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है चिकन, अदरक, हल्दी, लहसुन, कर्ड, जीरा, गुलमिर्च, प्याज, मीट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। हमारे कर्ड चिकन लेके आए हैं। पहले प्याज, ये चार प्याज, छोटा छोटा चार प्याज था। मसाला, लहसुन और अदरक। मसाला पहले तैयार कर लेते हैं अपना। कर्ड में देंगे हल्दी पाउडर और नमक। अब देंगे कर्ड, थ्री टेबल स्पून देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारा मसाला है, ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, अब इस सारे मसाले को, लाल मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको तब तक चलाते रहना जब तक सारे मसाले और सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स, देखिए सारे मिक्स हो चुके हैं। अब देंगे टमाटर सॉस, थ्री टेबल स्पून टमाटर सॉस देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। जब ऐसे कर्ड चिकन को मैरिनेट करते हैं तो बहुत देर तक चलाना पड़ता है ताकि अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से मिक्स हो जाएं। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। थर्टी मिनट्स कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं सब इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें देंगे 7 to 8 टेबल स्पून सरसों तेल। एक कच्चा मिर्च, जो चिकन को मैरिनेट किया हुआ है उसको देंगे। इसको धीमी आंच पे ही पकाते रहना है। अब देख सकते हैं चिकन हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको धीमी आंच पे इसलिए पकाना है ताकि मसाला जले ना। अब देख सकते हैं जितना वो पकेगा उतना ही ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार बना के ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा।
यह गरम मसाला 2 टेबल स्पून,